अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। हाथ में भी अभी काफ़ी आराम है, पहले से बहुत ज़्यादा पेन था लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हुआ कि दो चार दिन मैंने काम स्किप किया हुआ है, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो ये है कि थोड़ा आराम है। जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ या क्लीनिंग वगैरह या कोई इस तरह वज़न वाला काम, तो उस तरह मुझे फिर पेन रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है। बस आज कुछ बातें करनी थी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि जुम्मे के सदके अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करें, और जो भी इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, और हर इंसान को जो है हर तकलीफ़ और परेशानी और बीमारी से बचाए। बस सबके लिए दुआ किया करें, पता नहीं किसकी किसके हक में कबूल हो जाए। बस नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई थी तो सोचा थोड़ी सी अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप कर लें, क्योंकि क्लीनिंग तो रोज़ ही करते हैं। जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्लीनिंग देख देख के बोर हो जाएंगे रोज़, तो मैंने कहा आज थोड़ी गपशप करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यार मतलब आजकल जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी जा रही हैं वो यही विलेज वगैरह की देखी जा रही हैं, कि जो विलेज लाइफ है या विलेज की ज़िंदगी है, लोग बहुत ज़्यादा इसी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं कि मतलब विलेज में सुबह की रूटीन, विलेज में दोपहर की रूटीन, विलेज में खाना खाने की रूटीन, विलेज में पानी पीने की रूटीन। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने भी थंबनेल जो है इसके ऊपर फोकस करूँ कि भाई कराची में सुबह की रूटीन, कराची में दोपहर की रूटीन, कराची में पानी पीने की रूटीन, कराची में खाना खाने की रूटीन, कराची में वॉशरूम जाने की रूटीन। तो कहने का मकसद है कि और सबसे ज़्यादा एक तो ये चीज़ देखी जा रही है, तो अच्छी बात है, कोई इसमें वो नहीं है। विलेज माशाल्लाह गांव प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ का लाइफस्टाइल हर कोई पसंद करता है। लेकिन जो उसके अलावा जो चीज़ देखी जा रही है आज के ब्लॉगिंग के नाम पे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को, मतलब जैसे हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ वगैरह हैं, जो सीधे मतलब मेहनत कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर YouTube पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट को जो है बहुत जल्दी ग्रो किया जाता है। ऐसी वीडियोस को देख के इतनी जल्दी, इतना देखते हैं कि वो इतनी जल्दी ग्रो हो जाती है चीज़ें। अब जो हम लोग मतलब हाउसवाइफ वगैरह जो घर में जो व्लॉगिंग वगैरह कर रही है सिंपल तरीके से, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये नहीं है कि चैनल मतलब चलेगा नहीं या ग्रो नहीं होगा, वो तो लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब आप उन लोगों को इतना देख रहे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या जो मतलब जिनकी वीडियोस किसी काम की नहीं होती, जो सिर्फ लोगों को अपनी तरह रागब करने के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो ऐसी वीडियोस को देखने से बजाय आप लोग कोई मतलब काम की वीडियो देख लें, कोई ऐसी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बस मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर करूं जो चीज़ें मुझे मतलब समझ में नहीं आती, तो मैंने कहा आप लोगों को भी पता होंगी, जाहिर सी बात है हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो इसलिए हम दूसरे ब्लॉगर्स को भी देखते हैं, ताकि हम लोग उनसे जो बड़े यूट्यूबर या ब्लॉगर्स हैं तो हम उनको देखते हैं ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें। इसके अलावा बहुत सारे नए चैनल इस टाइम पर बन रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि जो अभी इस टाइम पर जो चैनल बन रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी माशाल्लाह ग्रो हो रहे। मेरा भी चैनल थोड़ा पुराना बना हुआ है, लेकिन मैंने काम उस पर, चैनल मैंने पहले बना दिया था लेकिन काम मैंने नहीं था स्टार्ट किया। काम मैंने अभी 6 महीने में इसके ऊपर स्टार्ट किया, मेरा भी अपना मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट किए 6 महीने हुए हैं। जुमे का दिन है, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए मेहनत बहुत सबके लिए करती हूँ, अल्लाह पाक सबके हक में कबूल करें, आमीन। जो जो बीमार उनको शिफा दे, जो जो इस वक्त परेशानी में उनकी परेशानियाँ दूर करें। और आज मैंने जो है वीडियो ऐसे बनाई है पसीना, आज वीडियो ऐसे बनाई है कि मतलब वैसे मैं ऐसे मोबाइल हाथ में ऐसे पकड़ती हूँ तो जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। आज मैंने मोबाइल को लगाया ट्राईपॉड के ऊपर और बहुत आसानी से वीडियो बन रही है, मैं इजी होके बेड पे बैठी हुई हूँ, मोबाइल मैंने नहीं पकड़ा हुआ। बस ये थोड़ी बहुत बातें करनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छी सी क्लीनिंग वीडियो के साथ। मैं देखती हूँ ज़रा घर में कौन सा कोना गंदा है, फिर मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो अच्छा, मैंने आज जो है ना वीडियो इस तरीके से बनाई है ना कि पंखा मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने उसमें थोड़ी सी बातें की थी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था,
नीचे से वो फैन चल रहा था, उस दौरान मैंने वीडियो बना दी थी, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, आवाज़ दब रही थी ऐसे, जैसे बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा था, बैकग्राउंड जैसे कहते हैं ना वॉइस। तो फिर मैंने आज सोचा कि यार आज फैन मैंने बंद करके ये मैं बातें कर रही हूँ आपके साथ, तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक पसीना आ चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में मैं फ़ैन बंद करके बातें कर रही हूँ क्योंकि जब फ़ैन ऑन होता है तो फिर आप तक मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं जाती, तो इसके लिए मैंने सोचा यार खैर है हम थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लें लेकिन मेरे दोस्तों तक मेरी आवाज़ अच्छे से जानी चाहिए। तो बस ये कुछ बातें करनी थी। इसके अलावा आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और प्लीज़ देखते हैं अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, छोटा सा लाइक कर दिया करें, और अगर कमेंट कर देंगे तो वो भी ज़्यादा खुशी होगी। बहुत ज़्यादा इंसान को जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन मिलती है कि यार मतलब हाँ वाकई लोग पसंद कर रहे हैं, तो दिल करता है मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इसके अलावा आप कमेंट में मुझसे कुछ भी मतलब अगर कुछ पूछना चाहें, किसी हवाले से कुछ मतलब डिस्कस करना चाहें, या मेरी वीडियो के हवाले से कोई कमी बेशी लगे आपको तो मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं मज़ीद इसको अच्छा करने की कोशिश करूं। तो बस इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं इस मुश्किल टाइम, अल्लाह सब सबको कामयाबियाँ अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।